वर्तमान सरकार से खफा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने निदेशालय स्तर पर लंबित प्रकरणों का निस्तारण न होने के कारण एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने विभाग के खिलाफ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मोर्चा खोल दिया है। अपनी 13 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग का ज्ञापन उन्होंने मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से दिया। उन्होंने बताया कि आंदोलन के प्रथम चरण को शुरू कर दिया गया है। आंदोलन में गरुड़, बागेश्वर, कपकोट, कांडा, काफलीगैर, दुग नाकोरी, शामा आदि तहसीलों के शिक्षक और कर्मचारी संयुक्त रूप से सरकार पर दबाव बनाते हुए एकजुट दिखे। वहीं जिला सचिव विजय कुमार सिंह रावत का कहना है कि उनकी मांगे काफी लंबे समय से सरकार के टेबल पर लंबित हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ कोरे आश्वासनों के अलावा और कुछ भी कर्मचारियों को नहीं दे पा रही है। अब वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, अभी शिक्षकों की कमी तो बनी हुई है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमारे महिला विद्यालयों में भी प्रवक्ताओं की पोस्टिंग हुई है और डायरेक्टरेट स्तर से भी हमारी प्रवक्ताओं की काउंसलिंग हो रखी है। उसमें प्रमोशन बहुत शीघ्र ही हम लोगों का प्रमोशन की लिस्ट आ जाएगी। फिर विभागीय स्तर पर जो भी पद खाली होंगे उनके विरुद्ध भी उनके सापेक्ष भी व्यवस्था की जा रही है। लोक सेवा आयोग को वो उसका अध्याचन ऐसे हम लोगों ने अखबार के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली है। और रहा गेस्ट टीचर की बात, गेस्ट टीचर्स वो कोर्ट के आदेश पे अभी थे तो माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको आगे विभाग की क्या व्यवस्थाएँ होती वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जल्दी हम लोग वो करके फिर विभाग उसमें कार्रवाई करेगा। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।